करते हैं। बताओ जी। 24 फेब को स्टार्ट हुआ था ये। हम मतलब हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा जैसे कि न्यूज में लग रहा था। ओके। बट सब आराम से हम यूनिवर्सिटी से आए, सब अच्छे से आराम से सोए। उसी सुबह 4-5 बजे बॉम्ब्स की आवाज के साथ, तब भी हमें नहीं लगा था कि इतना ज्यादा डेंजरस होगा। बट उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें बंकर्स में जाना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है। कॉन्टिन्यूसली 9 डेज के लिए हम बंकर्स में थे, विदाउट प्रॉपर फूड, विदाउट प्रॉपर वाटर। कॉन्टिन्यूसली बॉम्ब की आवाज आती थी, हमें यह भी नहीं पता था कि कब क्या हो जाएगा, मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी तब खत्म हो गई। पूरी यूनिवर्सिटी लाइक इज गॉन। पूरी यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है तो कुछ डिपार्टमेंट पे उनको सारे पब्लिक जो पब्लिक प्लेसेस है उन पे अटैक कर रहे हैं। ओके। तो इट वाज लाइक वी आर अटैच्ड टू दैट सिटी, वी आर स्टेइंग हियर फ्रॉम 2 or 3 years, वी आर स्टडीइंग इन दैट कंट्री। दैट कंट्री मींस यू नो जिस कंट्री में हम जाते हैं उससे अटैचमेंट तो हो ही जाता है। Right, और right. हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके सब खत्म हो रहा है। ऊपर से हमारे साथ भी टॉर्चर ही हो रहा था, बंकर में रहना इज नॉट इजी विदाउट प्रॉपर। तो कई बच्चे बता रहे हैं सामने एकदम उनके आसपास मिसाइल मिसाइल गिरी है। बताते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम खुद से करते हैं क्योंकि कोई इवैक्यूएशन नहीं हो रहा था, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। ऐसे कितने दिन तक आप खुद आए हो वहाँ से अपने आप बंकर में रहेंगे? भाई हमने खुद से सोचा कि हम रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, वहाँ से लवीव की ट्रेन पकड़ते हैं, उसके बाद हम पोलैंड बॉर्डर के पास जाने की सोचेंगे क्योंकि हमें पता लगा था कि जैसे बॉर्डर से इवैक्यूएशन हो रही है। ओके। फ्लाइट्स आर अरेंज्ड, सो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ना टैक्सी हो रही थी, ना बसेस हो रही थी, ना किसी ने हेल्प की। तो हमने बाय फुट ट्रैवल करने का डिसीजन लिया। कितना फुट बाय ट्रैवल किया आपने? 18 किलोमीटर वी वॉक टू बोगदार रेलवे स्टेशन। तो हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे 18 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद। ओके। और उस दिन वहां पे पहुंचने के बाद हम वेट कर रहे थे ट्रेन का। ट्रेन आई, एक होप थी कि हम मतलब जाएंगे लवीव तक और घर पहुंचेंगे, बट दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू देयर सिटीजन फर्स्ट। राइट राइट राइट। अलाउइंग अस टू, मैंने आज एक बोल दिया, आई थिंक कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने बोल दिया भाई ये बहुत गलत है, सेकंड क्लास सिटीजन आप समझ रहे हो, ये लोग बच्चे वहां पे जाके फीस पे करते हैं, वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और ऐसे जो है इनको गलत चीज करे, तो दिस इज आई थिंक वेरी रॉन्ग। क्या आप इस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दो? तो लाइन के हिसाब से किया जाए ना कि जो फर्स्ट खड़ा है, या फिर मतलब तुम पता नहीं किस बेसिस पे कर रहे हो। मैं जिस ट्रेन के बिल्कुल उस दरवाजे के बिल्कुल सामने थी और उस यूक्रेनियन सिटीजन ने मुझे ऐसे करके पुश कर दिया पीछे, तो इट वॉज नॉट फेयर ना। वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर इकोनॉमी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप लोग पढ़ रहे हो तो ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको वो हो रहा है, और यार अब इतना गंदा ट्रीटमेंट मतलब कर रहे हो यार। इससे इन फ्यूचर ये होगा, लोग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर इनकेस अगर कंट्री बचती है तो लोग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे वहाँ पे, ये काफी गलत है। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे वेट कर रहे थे कि शायद कोई और ट्रेन आएगी वो हमें अलाउ करेंगे शायद से, तो कंटिन्यूअसली शेलिंग और बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई वहाँ पे। Okay. तो एकदम से इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी आती है कि लीव खार्किव। ओके। डोंट नो हाउ, कहाँ जाए, कैसे करें, बट लीव खार्किव। उन्होंने 3 सिटीज के नाम बताए कि ये विलेज है खार्किव के बाहर, ये सेफ है, यहाँ पे चले जाओ। ओके। बट जाएं कैसे, टाइम की कमी थी, 2 घंटे उन्होंने दिए थे हमें, खार्किव खाली कर लो। Okay. तो हमने फिर से मतलब जो उन्होंने लोकेशन दी थी वहाँ पे जाने का फैसला किया, बट अगेन नो ट्रांसपोर्टेशन, नो टैक्सी, नो बसेस, नो कैब। तो फिर हमने फिर से डिसाइड किया कि बाय फुट सुबह सुबह हमने 18 किलोमीटर बगदाद तक पैदल ट्रेवल किया था। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि पैदल ही चलते हैं। इट वॉज 18 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन, दैट्स द सीन। एंड वन मोर थिंग, इट्स मोर एडवेंचरस क्योंकि वो एरिया बिल्कुल सेफ नहीं था। वो एरिया एयर बेस और कैंप्स वाला एरिया था जहाँ पे कॉन्टिन्यूस बॉम्बिंग और शेलिंग हो रही थी। Okay. तो हम ट्रेवल कर रहे थे, तो वी आर ट्रेवलिंग विद इंडियन फ्लैग इन अ लाइन। तो बीच में क्या होता है, चलते चलते एक बिल्कुल पास आके एक बॉम्ब फटता है और उसका सारा वो जो पार्टिकल्स वगैरह थे वो हमारे ऊपर। Oh God. और वी आर लाइक
अब नहीं होगा कुछ, अब नहीं बचेंगे। ओके। और बट उस टाइम पे यूक्रेनियन मिलिट्री ने हेल्प की। ओके। उन्होंने हमें बोला कि थोड़ी देर के लिए यहाँ नीचे मतलब बंकर्स में आ जाओ। तो कुछ अच्छे लोग थे तो कुछ बुरे लोग थे, तो कुछ अच्छे लोग भी थे। ये तो था। ओके, थोड़ा सा साइड जाते हैं। वो सामने आपकी बस है, वहाँ इंडिया का झंडा दिख जाएगा आपको। तो आप लोग बस में अपने अपने बैग्स रख सकते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बस में हो रहा है। तो आगे चल के आपको देखते हैं थोड़ा सा। तो फाइनली जो है अब मैं वापस पहुंच चुका हूँ। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी स्टोरीज हमें बताई कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, क्या क्या हुआ उनके साथ। अगली वीडियो में हम कई और स्टूडेंट्स की फैसिनेटिंग स्टोरीज और उनके चैलेंजेस जो जो लोगों ने फेस किए हैं वो सब देखने वाले हैं, लेकिन वो सब अगली वीडियो में। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आ गई तो उसे लाइक कर दीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जिन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग कर लेंगे, आने वाली जर्नी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।